अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विद्या, अरे विद्या, अरे विद्या जी कैसे गिर गई? उठ आराम से। पता नहीं अम्मा कैसे मोच आ गई पैर में। अरे भाभी देखिए ना, सुमन किस चतुराई से पूरे परिवार को एक एक करके अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन मैं तो कहती हूँ इसमें दोष पार्वती भाभी का भी तो है। आखिर करण उनका भी तो कुछ लगता है ना। करण के हत्यारण के साथ इतनी हमदर्दी भी तो नहीं दिखानी चाहिए। विद्या तू भी ना। चलो देवरानी जेठाली में आग तो लगा दी और अब इस आग में भी चलना तो सुमन को ही पड़ेगा। बेचारी सुमन। अरे नंदिनी कितना काम करोगी, थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो। बुआ जी बस हो गया है। कितनी अच्छी लड़की हो तुम। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से तुम इस घर की बहू बन जाओ। बुआ जी अभी इन सब बातों का समय नहीं है। ऐसे माहौल में घर में शादी की बात करना ठीक नहीं है। तुम सुमन को नहीं जानती, बड़ी शातिर लड़की है वो। भोलेपन का नाटक करके उसने देवेंद्र भैया और कार्तिक की हमदर्दी तो हासिल कर ही ली है, और तो और अब तो पार्वती भाभी की हमदर्दी भी हासिल कर ली है उसने। जो उनकी देवरानी के बेटे की मौत की जिम्मेदार है वो उससे सहानुभूति जता रही है। छी, शर्म आनी चाहिए पार्वती भाभी को। बुआ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? पार्वती भाभी को भी विधवा होने के दुख का एहसास है, बस इसीलिए वो सुमन के दुख को महसूस करती है। बुआ जी इस घर में जो भी पाप हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। देखो गुड्डी तुम समझ नहीं रही हो, मैं तो नंदिनी से सिर्फ इतना कह रही थी कि पार्वती भाभी को सुमन से अपनापन नहीं दिखाना चाहिए था, बस। खबरदार जो आपने माँ के बारे में फिर से ऐसी बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चतुर वही है जो समय देखकर बात करे। समय आने पर तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा गुड्डी। शांति पाठ की तैयारी हो गई बेटा? जी दादाजी। पंडित जी ने कहा है कि आज करण के सारे कपड़े दान में देने होंगे। बेटा मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तू जाके उसके कपड़े ले आ। नहीं दादाजी मुझसे नहीं हो पाएगा। कंचन बिटिया तो फिर कौन करेगा? अम्मा मैं लेकर आती हूँ।
यहाँ भी नहीं है। क्या ढूंढ रही हैं बुआ जी? ठीक रहेगा दान में देने के लिए। नहीं बुआ जी, बुआ जी ये मफलर करण जी की आखिरी निशानी है, इसे प्लीज मत ले जाइए। क्यों, इसका तुम क्या करोगी? नहीं बुआ जी, प्लीज इसे मत ले जाइए। छोड़ो मुझे। नहीं बुआ जी, हम जीते जी आपको ये मफलर नहीं ले जाने देंगे। अच्छा तुम मर जाओ। नहीं बुआ जी, प्लीज मत ले जाइए इसे। ये तुझे नहीं मिलेगा, जाओ। विद्या जी, ये क्या? ये क्या कर रही है आप? क्यों मार रही है इसे? मार नहीं रही थी, खुद को छुड़ा रही थी। सुमन, ताई जी, देखिए ना, इन्होंने हमसे करण जी की आखिरी निशानी भी छीनी। इन्हें रोकिए ना ताई जी। क्यों लेके जा रही है इसे? पता नहीं आपको? ये इसके पति की अंतिम निशानी है। आपको पता नहीं पंडित जी ने क्या कहा है? करण के कपड़े दान करने हैं। कोई जरूरत नहीं इसे दान करने की। ये लो सुमन। भाभी बहुत गलत कर रही हैं आप। और एक दुखियारी लड़की को आप सता रही हैं? वो बहुत अच्छा है। वाह सुमन वाह। तो अब तूने पार्वती दीदी को अपना हथियार बना लिया। नहीं कादंबरी, ऐसी बात नहीं है। जो बात है वो तो मैं देख ही रही हूं दीदी। मेरे बेटे के मरने का कोई दुख नहीं है आपको, उल्टा मेरे बेटे के कातिल पर प्यार उमड़ रहा है आपको। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तो बस सच्चाई का साथ दी रही हूँ। सच्चाई साफ दिखाई दे रहा है, और सच्चाई ये है कि आप सच्चाई का नहीं बल्कि एक विधवा का साथ दे रही हो। वैसे ठीक ही तो है, एक विधवा का ही तो साथ देगी।